आपके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, आपके बच्चे खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और जीवन में अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े भगवान कौन होते हैं? माता पिता। तो आप लोग जीवन में ये याद रखिए कि हमारे भगवान कौन है? माता पिता। अगर हमने माता पिता को प्रसन्न कर दिया, उनकी बातों पे उनके सपने हमने पूरे कर दिए, तो ये माता रानी भी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। किसके? नहीं, पुत्र के नाम से। वंश जो चलता था वो नारी के नाम पे चलता था। किसके नाम पे? नारी, मतलब शक्ति, नारी शक्ति। हम क्यों बोलते हैं नारी शक्ति? ये जो पूजा हम कर रहे हैं आदि शक्ति, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी जी पूजा करते हैं, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ी दुर्गा शक्ति जो है वो नारी ही है। नारी ही दुर्गा है, नारी ही लक्ष्मी है, नारी ही सरस्वती है। आपने देखा होगा कि हमको शक्ति देना है तो हम कितनी पूजा कर रहे हैं? माता रानी दुर्गा की। अगर धन की प्राप्ति करना हो तो किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी जी की। विद्या चाहिए तो सरस्वती मैया की, और अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा देवी की, जल चाहिए तो नर्मदा मैया की। मतलब सारी शक्ति किसके पास है? किसके पास है? महिलाओं के पास। जोरदार ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। तो महिलाएं के पास सारी शक्ति है, तो महिलाएं कभी कमजोर नहीं हो सकती। तो आप ये मन में ठान लीजिए कि आप लोग कमजोर नहीं है। जितनी बच्ची है अभी से मन में ठान ले कि बच्ची कमजोर नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि हम जो फिल्म देखते हैं तो फिल्म में जो दिखाया जाता है उसी पर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो हमको गीता और पुराण और हमारे रामायण में बताया जाता है, हम रामायण को पढ़ते जरूर हैं, रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। गीता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, लेकिन रामायण की और गीता की नहीं मानते। अगर हम रामायण की मानने लगे और गीता में जो बताया उसको मानने लगे तो निश्चित रूप से सतयुग फिर से आ जाएगा। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा बड़ा होकर के उसको जेल जाना पड़े। कोई चाहती है ऐसी माँ? क्या? कभी नहीं चाहती। कोई बहन ऐसी चाहती जिसके भाई को जेल जाना पड़े? कभी नहीं चाहती। लेकिन दुर्भावना से क्या होता है कि आपका बेटा घर से निकला, आपने स्कूल पहुंचाने पढ़ने पहुंचाया, अब वो स्कूल पहुंचा या नहीं पहुंचा, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जवाबदारी किसकी है? ये जवाबदारी भी पेरेंट्स की है ना? तो पहले और अभी इस नवरात्रि का मतलब ये है कि संध्या आरती आप करते हो, प्रातः आरती होती है और एक संध्या आरती होती है। संध्या आरती में क्या होता है, कोई अकेला आरती करता है क्या? नहीं करता, सब लोग मिलकर आरती करते हैं। उसका मकसद क्या है अब ये समझिए, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है ये भी समझिए कि संध्या आरती यहाँ पर हम कर रहे हैं तो चूंकि सभी लोग आयोजन है, सभी लोग है, लेकिन हम घर में जब आरती करते हैं तो सभी लोग नहीं आ सकते। सभी लोग नहीं आ सकते तो कौन आ सकते हैं? कम से कम घर के जो जितने सदस्य मेंबर हैं वो सारे लोग इकट्ठे होकर के वो संध्या आरती करें। कहने का मतलब है कि शाम के समय, दिन में आप चाहे कहीं भी रहो, लेकिन शाम को आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी, सारे लोग कहाँ पर होना चाहिए? घर में होना चाहिए। और घर में मिलकर के जब आरती करेंगे तो ऑटोमेटिक संस्कार की बारिश होने लगेगी। आपके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, आपके बच्चे खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और जीवन में अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े भगवान कौन होते हैं? माता पिता। तो आप लोग जीवन में ये याद रखिए कि हमारे भगवान कौन है? माता पिता। अगर हमने माता पिता को प्रसन्न कर दिया, उनकी बातों पे उनके सपने हमने पूरे कर दिए, तो ये माता रानी भी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। अब मैं 5 मिनट में आपको यहाँ जूडो कराटे की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सारी महिलाओं को और सारी बहनों को। कितने लोग